तो आज हम सीखेंगे यहाँ पे मेल मर्ज। आज हम सीखेंगे मेल मर्ज। तो मेल मर्ज होता क्या है और इसका दोस्तों जरूरत हमें कहाँ पड़ता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम समझेंगे कि मेल मर्ज का जरूरत कहाँ पड़ता है। जब दोस्तों आपको कहीं कंपनी में या फिर बैंक में जॉब होता है और वहां पे अगर हजारों एम्प्लॉय काम करता है तो हमें एक चिट्ठी सभी को भेजना है। जैसे मान लीजिए कोई चीज का ओपनिंग है और हमें अलग अलग व्यक्ति को नाम से, यानी कि चिट्ठी एक ही है, सब पर नाम अलग अलग होना है और दोस्तों उसका पोस्ट एड्रेस सब क्या है अलग अलग करके हमें उसे बाय पोस्ट करना है। तो उसके लिए हमें प्रिंट करना है। तो अलग अलग दोस्तों आप चिट्ठी लिखेंगे, अलग अलग नाम टाइप करेंगे तो उसमें क्या होगा, आपको परेशानी हो जाएगा। वहीं पर दोस्तों इस समस्या को दूर करने के लिए आता है हमारा मेल मर्ज। तो मेल मर्ज दोस्तों क्या करता है, उस समस्या को हमारा दूर करता है। आप जितने भी व्यक्ति का दोस्तों लिस्ट है, जैसे मान लीजिए हमारे पास 1000 एम्प्लॉय वर्क कर रहा है, तो 1000 एम्प्लॉय का क्या करना है हमें एक्सेल में क्या करना है, हमें डेटाबेस तैयार कर लेना है जिस भी चीज की जरूरत है। जैसे मान लीजिए उस लेटर में हमें उसका क्या क्या देना है, उसका दोस्तों हमें देना है नेम देना है, उसका एड्रेस दे देना है और दोस्तों उसका हमें क्या देना है, पोस्ट देना है और फिर मोबाइल नंबर देना है। तो इतना चीज मान लीजिए हमें देना है और एक हमें दोस्तों डिस्ट्रिक्ट, चलिए इतना चीज हमें क्या करना है उस लेटर पे, उसका जो एम्प्लॉय है हमारा ई नेम, चलिए दे देते एम्प्लॉय नेम। ये जो दोस्तों हमारा है क्या करना है उसमें, उस लेटर में जो हम लेटर सभी को भेजना है, लेटर सेम ही रहेगा लेकिन उस लेटर पर चेंजेस जो हमें करना है बार बार, वो क्या करना है दोस्तों, उसका नाम चेंज करना है क्योंकि नाम एक नहीं हो सकता है, नाम चेंज करना है। उसके बाद दोस्तों एड्रेस चेंज करना है, पोस्ट और मोबाइल नंबर और डिस्ट्रिक्ट, तो ये दोस्तों चेंज करना है। तो आप 1000 चिट्ठी तो टाइप करने में तो बाप माई निकलने लगेगा, यानी कि आप पूरे परेशान हो जाएंगे। तो उसको दूर करने के लिए हमारा आता है क्या आता है, मेल मर्ज आता है। तो सबसे पहले क्या करना है हमें मेल मर्ज में जो है काम करने से पहले, ये दोस्तों एमएस वर्ड का पार्ट है और लेकिन इसे अगर हमें बनाना है तो सबसे पहले आपको डेटाबेस बनाना है, किसमें, एक्सेल में दोस्तों, जो एमएस ऑफिस का एक्सेल होता है उसमें आपको इतना चीज डेटाबेस बनाना है। तो दोस्तों शॉर्टकट में हम आपको आने वाले वीडियो में बताएंगे कि डेटाबेस कैसे बनाया जाता है, लेकिन आप अगर अभी तक नहीं देखा तो एक्सेल ओपन करके जो आप एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम इसे यहाँ से इरेज करते हैं। तो दोस्तों चलिए हम पहले तो समझ लीजिए कि क्या करना है हमें। अब जब इतना चीज हमारा डेटाबेस बन के तैयार, कोई भी नाम से डेटाबेस तैयार कर लेंगे, जैसे मान लीजिए सारा चीज लिख लेंगे, उसका जितना भी एम्प्लॉय हमारा 1000 एम्प्लॉय, तो 1000 नाम सारा चीज फिट कर लेंगे और हमें उसे किसी एक नाम से सर्च कर सेव कर लेंगे, जैसे डेटाबेस है तो डेटाबेस से सेव कर लेंगे। अब दोस्तों हमें क्या करना है, ओपन करना है हमारा अपना, क्या करना है, ओपन करना है हमें अपना जो है एमएस वर्ड। ओपन करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, एमएस वर्ड ओपन करने के बाद तो ओपन कैसे करेंगे और फिर, तो यहाँ पे चलिए हम पहले स्टेप बाय समझ लेते हैं कि कैसे हमारा जो है मेल मर्ज काम करेगा। तो डायरेक्ट आप एमएस वर्ड ओपन करके चिट्ठी नहीं लिखना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो दोस्तों डायरेक्ट अगर आप एमएस वर्ड ओपन करके चिट्ठी लिखेंगे तो बेकार हो जाएगा। तो कैसे लिखना है, तो सबसे पहले चलिए हम स्टेप फॉलो करेंगे, फॉलो स्टेप को फॉलो करना है आपको। तो सबसे पहले ओपन द एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये हमारा जो है पहले है। उसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट क्या करना है, क्लिक ऑन मेलिंग टैब। अब दोस्तों टैब नहीं समझ रहे हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिस प्रकार जैसे आप ओपन करेंगे तो सबसे पहले ऊपर में दोस्तों एक होता है, जैसे इस प्रकार से चलिए हम डायग्राम आपको बनाते हैं, ये आपका डिस्प्ले हो गया और सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जब ओपन होगा तो एक होगा यहाँ पर सबसे ऊपर नाम रहेगा, जिस नाम से वो फाइल सेव रहेगा, जैसे एमएस ऑफिस है तो एमएस ऑफिस यहाँ लिखा रहेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर होता है एक ऑप्शन, जहाँ पर पहले होता है फाइल, फिर होता है होम टैब, फिर होता है इंसर्ट, फिर होता है पेज लेआउट, फिर होता है मेलिंग टैब। तो मेलिंग टैब दोस्तों चलिए यहाँ पे दोस्तों क्या है, सबसे पहले दोस्तों ऊपर में होता है नेम, उसके बाद जो ये थोड़ा सा रिबन होता है जहाँ पे आपको फाइल लिखा रहता है, होम लिखा रहता है, इंसर्ट, फिर आपको पेज लेआउट, फिर मेलिंग टैब। तो इसी प्रकार से ये जो हमारा ऑप्शन है, ये ऑप्शन हमारा क्या है, टैब है, इसे हम टैब कहते हैं। और फिर यहाँ पे हमारा जो ये जो सारे ऑप्शन है, जैसे आप यहाँ पे मेलिंग टैब पे क्लिक करेंगे तो जितना ऑप्शन दिखेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा रिबन बार है,
ये रिबन है, जैसे होम टैब पे क्लिक करेंगे तो इतना जितना भी ऑप्शन आएगा वो क्या हो जाएगा रिबन बार। और उसमें फिर दोस्तों इसमें कुछ कुछ ग्रुप होता है, तो ग्रुप होता है वो हम आपको आने वाले वीडियो में डिटेल वाइज समझा देंगे कैसे कैसे क्या होता है, पहले इसे हम समझते हैं। तो दोस्तों ये हो गया हमारा, जैसे करेंगे तो मेलिंग टैब पे क्लिक करें, क्या होगा मेलिंग टैब। अब मेलिंग टैब पे क्लिक करने के बाद दोस्तों क्या होगा, राइट ए लेटर, क्या करना होगा राइट ए लेटर, राइट ए लेटर। अब हमें क्या करना होगा, राइट ए लेटर यानी कि लेटर लिखना होगा। लेटर लिख लेने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे यही पे बात होगा, जैसे मान लीजिए हम आपको हिंदी में समझाते हैं, सेवा में श्रीमान या श्रीमती, श्रीमान या मती। अब दोस्तों यहाँ पे तो हमारा नाम लिखना है, यहाँ पे हमें क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे, फिर यहाँ पे दोस्तों उसका एड्रेस लिखेंगे, उसका पूरा पता लिखेंगे, फिर यहाँ पे हम पोस्ट लिखेंगे, फिर दूसरा लाइन पोस्ट लिखेंगे। पोस्ट लिखने के बाद दोस्तों हमें क्या होता है, यहाँ पे आप मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं या फिर छोड़ भी सकते हैं, हमने वहां पे क्या क्या बताया था, और स्टेट यानी एड्रेस में दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। तो अब जो हम डेटाबेस तैयार किए हुए थे तो वहां पे दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले क्लिक ऑन मेलिंग टैब, क्लिक ऑन तब दोस्तों मेलिंग टैब पे क्लिक करने के बाद दोस्तों क्या होगा, क्लिक ऑन यहाँ पे जो है लेटर लिख लेंगे। लेटर लिखने के बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो है क्लिक ऑन स्टार्ट मेलिंग मैन यानी कि जो है मेल मर्ज, यहाँ पे एक फिर यहाँ पे क्या करना, क्लिक ऑन स्टार्ट STARTERT स्टार्ट मेलिंग मेल मर्ज, स्टार्ट मेल मर्ज। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना होगा, आपको स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक करना होगा, जो एक ऑप्शन वहां पे होगा, जैसे मेलिंग टैब ओपन करेंगे तो वहां पे स्टार्ट मेल मर्ज का ऑप्शन होगा। स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक करने के बाद दोस्तों क्या करना होगा, क्लिक ऑन स्टेप बाय स्टेप मेलिंग मर्ज, यहाँ पे आपको फिर क्लिक करना होगा क्या, क्लिक ऑन स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज। फिर यहाँ पे जब ये आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद दोस्तों आ जाएगा आपको जो है मेल मर्ज। क्लिक करने के बाद दोस्तों क्या है, आपको जो है नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और फिर वहां से दोस्तों क्या करना है, आपको उसे क्या करना है, उस जो हमारा डेटाबेस बना हुआ है उसे वहां पर पहले सेट करना है। यहाँ पे सेट करने का ऑप्शन आ जाएगा, उसे वहां पे सेट कर लेना है। जैसे सेट हो जाएगा तब आपको दोस्तों क्या करना होगा, स्टार्ट मेलिंग मर्ज पे आएंगे, और स्टेप बाय स्टेप में आने के बाद दोस्तों आपको सबसे पहले जैसे कर्जर, यहाँ पे हमारा कर्जर है तो यहाँ से आपको नेम वाला जो टैब है उसे सेलेक्ट कर लेना है, और फिर यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद एड्रेस वाला सेलेक्ट कर लेना है, और फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाला सेलेक्ट करना है, और फिर यहाँ पे पोस्ट सेलेक्ट करके क्या कर लेना है, प्रीव्यू पे क्लिक करना है। क्या किस चीज पे क्लिक करना है, रिव्यू पे क्लिक कर लेना है। रिव्यू पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा जो आपको सारा चीज दिख जाएगा, रिव्यू क्या दिख जाएगा, रिव्यू पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको सारा चीज दिख जाएगा, जितने नाम आपको उसमें फीड किए होंगे, नेम वाइज यानी कि आप नेक्स्ट टेक्स्ट पे क्लिक करते जाएंगे और नेम वाइज आपको दिख जाएगा, नेम वाइज आपको सारा जितने एम्प्लॉय का देंगे उतना लिख जाएगा, और आपको क्या करना है, प्रिंट पे क्लिक कर लेना है, और उसी प्रकार से आप सारा चीज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा एक थ्योरी टाइप से हुआ, हम आपको जो है प्रैक्टिकली भी करके दिखाएंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, दीजिए मुझको इजाजत, जय हिंद जय भारत।